हेलो सर, कैसे आप? ठीक है सर। आप अपनी बताइए कैसे? बिल्कुल बढ़िया सर। सर आपसे फिर से मुलाकात हो गई। जरूर सर, इसके पहले भी आपने हमें बजाज आरी कम्पैक्ट के बारे में बताया था, तो अभी हम देख पा रहे हैं आपके यहाँ तीन मॉडल की ऑटो खड़ी हुई है जो भी बजाज की है। जी, हमारे पास बजाज की तीन मॉडल खड़ी है, जैसे बजाज एक्सवाइडर आप देख सकते हैं, ये बजाज एक्सवाइडर है जी। आप इसके चारों तरफ देख सकते हैं जी सर, ये बजाज एक्सवाइडर में मानी जानी गाड़ियां हैं। और दूसरी आपको दिखाते हैं गाड़ी बजाज जेड जी सर, ये बजाज जेड गाड़ियां हैं, आप देख लीजिएगा जी सर, ये बजाज जेड जेड है सर। जी जी जी। और इसके और पहले इस, हम बनाए, हाँ, जो हमने पहले पिछले बार यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया था, ये बजाज आरी का बनाया हुआ था। अच्छा सर, ये बजाज आरी कम्पैक्ट गाड़ी है। अच्छा सर। जी सर। तो सभी गाड़ियों में कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे क्वालिटी होंगे सर। जी जी, क्यों नहीं होंगे सर। अब जब गाड़ियां भी तीन मॉडल के हैं तो क्वालिटी भी अलग अलग होंगे। जैसे कि इसमें सबसे छोटे टायर का देख रहे हैं, सबसे छोटे टायर छोटे में रिगार्ड दिए हुए हैं जी सर। अब इसमें ये बजाज आरी कम्पैक्ट का है। फिर दूसरी चीज इसमें देखिए आप, इसमें बड़े टायर का ऑप्शन दिया हुआ है, बड़े में रिगार्ड का जी सर। ठीक है सर, इसमें इसमें ये क्वालिटी तीनों में मजबूत। और इस पे चढ़ के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये देखिए जैसे हमने ये चढ़ के इसको दिखाया आपको, इसमें ये क्वालिटी दिया गया है। और तीसरी में ये देखिए, ये एक्सवाइडर गाड़ी है। अच्छा सर, ये इसमें एक्सल टायर दिया हुआ है कंपनी के, सबसे पहले पिछले गाड़ियों में था जो हमारे पास बी एस सिक्स का, उसमें छोटे टायर दिया जी हुआ सर, था। जी सर। अब जो बी एस सिक्स टू आई हुई है इसमें टायर बड़े दे दिए गए हैं, इससे क्या टायर के साथ फार्क भी बड़े दे दिए गए हैं। बड़ पिछले वाले में टायर के साथ फार्क भी छोटा था और इसमें छोटे टायर भी लगे हुए थे, इसकी वजह से बी एस सिक्स टू आने लॉन्च न्यू है तो इसमें टायर भी बड़ा दे दिया गया है, मेरिकार्ड भी बड़ा दे दिया गया। तो सर कस्टमर का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर इसकी प्राइस क्या है, तो आप प्रॉपर तीनों का प्राइस बताएं सर, कम से कम डाउन पेमेंट कितना मिल जाएगा सर आपको? हम इसको जो है शोरूम प्राइस बताते हैं, जो बजाज के शोरूम प्राइस है ये 3,26,000 के एक्स शोरूम प्राइस है। अच्छा, इसके डाउन पेमेंट जो होता है लमसम 60 से 70 हजार के आसपास। अच्छा सर, मात्र 60 से 70 हजार रुपए में ले जा सकते हैं। और इसका शोरूम जो है एक शोरूम प्राइस होता है 3,26,000 के आसपास। अच्छा सर। और दूसरी ये जेड गाड़ी है, इसका शोरूम एक्स प्राइस है 2,98,600। अच्छा सर जी। ऑन रोड प्राइस? ऑन रोड नहीं, ऑन रोड प्राइस नहीं है सर, शोरूम एक्स शोरूम प्राइस है। अच्छा, शोरूम एक्स शोरूम प्राइस इसका पड़ेगा 2,98,600 रुपए। और सर इसके बाद आपका बजाज आरी कम्पैक्ट का क्या प्राइस पड़ता है सर? जिसका शोरूम एक्स प्राइस है 2,60,600 रुपए। अच्छा सर, और इसका डाउन पेमेंट क्या आता है सर? डाउन पेमेंट लमसम इसका 50 के आसपास डाउन पेमेंट है। अच्छा सर जी सर। और बाकी जैसे आपने इसके पहले आप बजाज आरी कम्पैक्ट के बारे में पूरी चीजें एक्सप्लेन किया था कि इसकी क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, और इसका सीएनजी प्लस पेट्रोल की क्या खासियत है, वो सारी चीजें आपने बता की। जी जी जी। और आज आपके पास जैसे तीन मॉडल है तो इसके बारे में आज आपको दो गाड़ी है हमारे पास, एक जेड गाड़ी है, एक एक्सवाइडर गाड़ी है। आज हम आपको एक्सवाइडर गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी देते हुए आइए आपको देते हैं। सबसे पहले जानकारी हम आपको यहाँ शुरुआत करते हैं फ्रंट ग्लास से। आप देख रहे हैं ये बजाज की ब्रांड ग्लास है, ये देखिए बजाज का लोगो लगा हुआ है जी सर। अब देख रहे हैं ये मजबूत ग्लास है, ये कंपनी द्वारा ओरिजिनल ग्लास है, जिसपे हमारे ग्लास कंपनी में कोई जो है, हम रोड पे चल रहे हैं अचानक से कोई कंकड़ आया या कोई ठोकर लग गया या कोई कट का चीज आया तो इससे क्या होता है कांच हमारा फूटेगा नहीं, चिटक जाएगा, दरार आ जाएगी दरार में, मगर ये चिटके बिखरेगा नहीं। अच्छा, इससे बेनिफिट होता है, कभी कभी क्या होता है गलती से कोई सडनली चीजें आ जाती है जिससे हमारे कांच पे लगने के बाद फूट के चटक जाती है, बट इसमें नहीं होगा, इसमें दरारें आ जाएंगी चटकेंगी नहीं, ये बिखरेगा भी नहीं। अच्छा, जिससे हमारा ड्राइवर को कोई नुकसानदायक नहीं होगा, बहुत बढ़िया रहता है, इससे क्या होता है फुल सेफ्टी के साथ। जी जी। और दूसरी चीज ये है कि देखिए इसमें नंबर प्लेट डिजिटल दिया हुआ है। अच्छा सर, पहले क्या रहते थे, पहले गाड़ियों में हम लिखवाते थे जी सर, अब क्या है ना हमारी कंपनी द्वारा आरटीओ द्वारा लिखित आ रहा है। अच्छा, नंबर प्लेट तो डिजिटल होता है सर? डिजिटल जी, बढ़िया। और इसमें आप ये देख सकते हैं पहले से गाड़ियों में मिरर बहुत छोटे थे और टायर भी छोटा था जी सर, अब इसमें बड़े टायर और मजबूती के साथ स्प्रिंग, और इसमें जो है देख रहे हैं बहुत बढ़िया लोहा, आप इस पे चढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब इतनी मजबूत है कि अगर इस पे जैसे बहुत भारी चीज से लड़ भी जाता है, टकरा भी जाता है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। नहीं, बाकी नहीं, इसकी साकर की बात आप देख सकते हैं कि साकर में क्या क्वालिटी और फीचर्स है, जो बजाज आपको बजाज के शोरूम पे ही देखने को मिलेगा। साथ साथ देखिए दोनों तरफ शॉपर लगे हुए हैं जरूर सर, और साथ साथ इसमें साकर के साथ साथ यहाँ पे फार का सपोर्ट है, ये ऊपर तक है। अच्छा, पूरा ऊपर तक सपोर्ट दिया गया है, ये यहाँ से देखिए
आप देखिए ये हैंडल उसी पे टिका हुआ है। अच्छा, हैंडल उसी से टिका हुआ जिसे साकर के साथ साथ इसको भी कवर करता है। भाई देख रहे हैं आप, बहुत मजबूती के साथ दिया गया है। अब आपको अंदर के बारे में बताते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा जो है मीटर का है पूरा। अच्छा, पूरा डिजिटल मीटर दिया गया है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। इसमें क्या क्या फीचर्स है? हाँ जी, इसमें 80 की स्पीड के है, देख रही है, लोगो बना हुआ है। और दूसरी चीज, ये सीएनजी के लोगो है, ये न्यूट्रल है, ये मलाइट, ये बैटरी है, ये सीएनजी पे है। अच्छा, अब इसको जो है इसमें दो ऑप्शन है, सीएनजी प्लस पेट्रोल। अच्छा सर, अब देख रहे हैं इसको हम ऑन ऑफ किया, इसमें देखिए हमने पेट्रोल पे कर दिया। ये देखिए अच्छा, बटन है, इसमें बटन का भी ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, इसमें शो कर रहा है कि अगर पेट्रोल पे मुझे करना है तो पेट्रोल पर नीचे करना पड़ेगा, पेट्रोल अगर सीएनजी पे करना है तो सीएनजी पे। तो मैं अभी पेट्रोल करके चालू करूंगा। देखिए हमने बटन को ऑन किया, यहाँ पेट्रोल का सिंबल दिखा है, सिंबल दिखा है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं एक नंबर सर। बाकी इसके साथ साथ इसमें और भी फीचर्स आपको दिए हैं, जैसे इसमें आप देखिए इसमें थ्री बटन दिए हुए, थ्री बटन दिए, एक जो है आपके पास जैसे बाजा लगाने के लिए ये एक एक्स्ट्रा बटन दिया है। ये चारों इंडिकेटर का बटन है जो हम देखिए, चारों डीपर लाइट वगैरह जल रहे हैं बाहर। इसमें ये देखिए लोगो भी बना हुआ है कि कौन सी लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि हमें कहीं साइड पे रोड पे खड़ी करनी हुई, सडनली रोकना पड़ा, तो हम चारों इंडिकेटर को एक साथ हम चला सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, इस तरीके से दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें जैसे कि हैंड ब्रेक जो हम देख पा रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। तो इसमें हैंड ब्रेक जो है प्लस, बहुत सी गाड़ियों में क्या रहता है ना, हमारे बजाज जेट गाड़ी में हैंड ब्रेक क्या रहता है, पीछे दिया रहता है जी सर, साइड में दिया रहता है। छोटी, सबसे छोटी वाली गाड़ी में हैंड ब्रेक आके दिया रहता है। इसमें क्या है, हैंड ब्रेक और रिवर्स एक साथ दिया गया है। ये देखिए, ये हमारा हैंड ब्रेक का काम करता है, ये हमारा रिवर्स का काम करता है। एक नंबर, ये हमने लगाया, ये रिवर्स जो हो जाएगा न्यूट्रल करने पे हो जाएगा, इसके बाद हमने छोड़ा दिया, ये फ्रंट पे हो जाएगा। ये हैंड ब्रेक जैसे हमें कहीं स्टॉप करना है, ये हैंड ब्रेक का काम करेगा, आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें देखिए गैस सर टंकी इसमें डबल दिए गए हैं। अच्छा, सीएनजी जिसमें भराया जाता है। जी जी जी, इसमें समझ सकते हैं बाटला जो है डबल है। अच्छा सर, तो कितने लीटर हम इसमें हम सीएनजी भरा सकते हैं? 9 केजी हम आराम से, 9 केजी सर, 9 केजी डलवा सकते हैं। सबसे बढ़िया है 9 केजी है, इसमें वॉच भी लगे हुए हैं। अच्छा, इसे हम देख सकते हैं कि हमारे गाड़ी में कितना सीएनजी है। जी जी जी, इसे मालूम चल जाएगा। उसके बाद मुझे सीएनजी अगर एक बार में भरा सकते हैं। हाँ जी, तो पूरा गाड़ी देखिए, सीएनजी भराने का ऑप्शन ये है, यहाँ से हम जो है पुश ओपन करेंगे। अच्छा, उसके बाद सीएनजी जब हो जाएगा तो हम यहाँ पर पुश कर देंगे, ये हमारा लॉक हो गया। लॉक हो गया, और इसमें बटन भी दिया गया है दोनों गैस का, ये देखिए। अच्छा, ये ऑन ऑफ करने के लिए लॉक दिया गया है, ये बंद हो गया, ये खुल गया, इसमें भी दिया गया है। इसको ऊपर कर दे, नीचे कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ऊपर कर देंगे खुल जाएगा। और दूसरी चीज, इसमें टूल रखने के लिए व्यवस्थाएं दी गई है। अच्छा, काफी स्पेस दे दिया गया है, और इसमें एक सोनो लाइट स्विच दे दिया गया है, जैसे हमारे टंकी में कोई असर नहीं कर सकता है, ये सोनो कोई दिक्कत आती है, सोनो लाइट कट ऑफ हो जाती है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया फीचर्स दिया है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, ये काफी मजबूत के साथ साथ यहाँ पे काफी स्पेस भी दिया गया है, स्पेस भी दिया गया है, और इसमें सेफ करने के लिए एक डिग्गी छोटा सा अच्छा लॉक बना दिया ताकि हम सीएनजी अपना भराने के बाद ये चीजें दिखे ना लोगों को, तो उससे सेफ्टी के लिए यहाँ पे लॉक भी दिया गया, लॉक करके हम उसको सेफ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, इसमें भी ये बोतल रखने के लिए पानी जरूर सर, और ये फुट पैड रखा दिया है, जिससे हमारा पैर पहले क्या रहता था नीचे रहता। तो इससे क्या होता है, बेनिफिट ये होता है, जैसे बहुत सारे छोटे ड्राइवर होते हैं, तो जैसे नहीं छोटे ड्राइवर नहीं, जैसे हमने पैर रखा तो नीचे हो जाता, ब्रेक नहीं लग पाती थी। जी, अब जी, हमारा पैर इस पे हमेशा पड़ा रहेगा, तो इससे हमारा ब्रेक लगने में आसान रहेगा। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं सर। और ये मोटर है, और इसमें डिग्गी भी दिया हुआ है एक नंबर सर, मतलब अपना हम जैसे कि कस्टमर को पैसा रिटर्न करना हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट रखना हो तो इसके माध्यम से हम यहाँ पे रखे अपना। और इसमें मोबाइल चार्जर का भी व्यवस्था दिया गया है, 12 वोल्ट का है, देखिए ये देखिए एक नंबर, मतलब यहाँ से हम अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। जी, साथ साथ जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत लंबा काम मिल जाता है, टूर का काम मिल जाता है, मोबाइल अब डिस्चार्ज हो गया है, यहाँ पे हम चार्ज भी कर सकते हैं, साथ साथ यही सामने हम अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो इसका हम कैसे भी कितने भी स्पीड चले तो हमारी मोबाइल एक ही स्थान पे फिक्स रहेगी, गिरेगी नहीं, कहीं पे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे चार्ज भी होगा प्लस लोकेशन ट्रैक करके पहुंच भी सकते हैं। देखिए इसमें बटन द्वारा सब सिस्टम दी गई है, ये हमारा जो है वाइपर चलने के लिए देख सकते हैं आप, बटन दिया गया है, ये हमारा जो है सामने का डीपर लाइट का दिया गया व्यवस्था, और दूसरी चीज ये है हमारा हॉर्न का, इसमें देख रहे हैं ये हमने डीपर लाइट जो जल रहे हैं हम यहाँ से आप जो है बटन बंद कर सकते हैं, ये देखिए इंडिकेटर अलग से है, व्यवस्था दी गई है।
तो मतलब ड्राइवर को एक ही जगह पे सारी सुविधा मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी। ये देख रहे हैं इंडिकेटर का है, पीछे भी है लाइट, जरूर ये है एक बटन जैसे। इसमें भी एक सुविधा ये है कि इंजन के लिए हमारी लाइट व्यवस्था दी गई है। ये देखिए आप, तुम देखिए चेक कर लीजिए सर, इसका क्या बेनिफिट होता है सर? इसका ये जो हमारी लाइट जल रही है, आप सर देख लीजिए, जिसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करिए आप इसे, स्टार्ट कर दिया हमने, ये स्टार्ट है, जरूर सर ये स्टार्ट हो गई, बुझ गई। देखिए आप देख सकते हैं कि एमआर लाइट बुझ गई है जी सर। तो ये क्या है ना, उसका ये फंक्शन, जब एमआर लाइट यहाँ जलने लगती है जी सर, ये देख रहे हैं एमआर लाइट जलने लगती है जी। तो ये गाड़ी में जैसे कोई वायरिंग है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो ये ऑप्शन बताने, यानी अचानक से जल जाती है कि गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया है तो सर्विस सेंटर ले जाएंगे, तो ये टूल से पता चलता है कि क्या फॉल्ट आया है। अच्छा, मतलब इसको इससे बेनिफिट होगा, ड्राइवर को ही मालूम चल जाए कि हाँ, मेरे गाड़ी में क्या कमी आई है। जी जी, अगर कोई उसके आसपास में कोई एक्सपर्ट है या बजाज की कोई शोरूम है तो वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, इसके अलावा अपने जिस शोरूम पे खरीदते जी, हैं वहाँ पे भी आके बना सकते हैं। जो मिस्त्री है सर्विस सेंटर या टेक्नीशियन इस चीज के लिए, आप बाहर दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा? जरूर जरूर सर, बाहर दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ जो टेक्नीशियन है, मिस्त्री है, उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हमारे पास ये गाड़ी बजाज की है, अब महिंद्रा तो है नहीं कि पियाजो है जी सर, कि आप कहीं भी खुलवा सकते हैं। जरूर, तो मतलब इससे अच्छा बेनिफिट हो जाएगा कि आप शोरूम पे आइए और यहाँ पे हाँ, सस्ते प्राइस में सर्विस भी मिल जाएगा, सर्विस मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया प्राइस ये है कि 1250 में फुल सर्विस है। अच्छा, पूरी गाड़ी की सर्विस है, मतलब कोई भी अगर इस ऑटो की सर्विस कराना चाहता है, सर्विस 1250 रुपए में पूरी गाड़ी की सर्विस हो जाती है, वो भी अच्छे तरीके से, ऑयल सहित, ऑयल सहित। उसके साथ साथ अगर कभी कोई दिक्कत भी आ जाती है तो सलूजा बजाज एक ऐसी शोरूम है, सबसे पहले कस्टमर की बातें ही सुनी जाती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना स्पेस है, आप देख लीजिए, सभी गाड़ियों से सबसे बेहतर स्पेस और स्टेप सीढ़ी लगी, छोटे बच्चे भी आराम से बैग बैठ सकते हैं, एक छोटा बच्चा खड़ा भी कर सकते हैं, उसको गोद में बैठा सकते हैं और अपना कोई बैग वगैरह सूटकेस वगैरह इसमें रख सकते हैं, जिससे अगर कस्टमर को कोई नुकसान ना हो और आरामदायक आराम से बैठ सकता है, ऐसे पैर करके बैठ सकता है, कुछ भी बैठ सकता है, या किसी को टेक कर सकता है, या दो लोग खड़ा करके छोटे बच्चों को आरामदायक ले सकता है। सबसे बेस्ट होता है जब हम कभी अपने फैमिली के साथ टूर पे निकलते हैं, या फिर कभी कभी हमें ट्रेन पे जाए, ट्रेन पकड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बैग लेके चलते हैं साथ में, तो हमें अपने इस गाड़ी में बजाज एक्स वाइड ऐसा गाड़ी है कि मैं दोनों तरफ स्पेस है, आप पीछे देख सकते हैं इसमें भी स्पेस लगे हुए हैं और आगे भी स्पेस है, तो इसे कितना बढ़िया गैप है इसमें मजबूती के साथ जी सर, ये हुड लगे हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि गाड़ी सेफ भी रहेगा, साथ साथ क्या होगा जब हम तेज हवा में आते हैं जी, तो हमारे हवा को क्रॉस करता जो यहाँ पे कस्टमर बैठेंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती है। और जिस तरीके से सर ने बताया कि यहाँ पे इतना अच्छा गैपिंग है कि दो तीन बैग यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं, या फिर उनके पास छोटे छोटे बच्चे रहते तो आसानी से खड़ा भी कर सकते हैं या फिर अपना बैठा के इसके। और उसके अलावा जैसे कि जब कोई ड्राइवर लेता है तो सबसे पहला उसका मकसद यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं जी सर। तो उसके लिए भी हमारे पास सुविधा भी है, जरूर सर। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि ड्राइवर या मालिक कोई ओनर जैसे इस गाड़ी को लेता है, सोचता है कि इस गाड़ी को ले मुझे बेनिफिट क्या है, मैं उसके लिए बेनिफिट बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं ये जो आपको स्पेस दिख रही है, यहाँ से भी एक सीट हम कवर कर सकते हैं, अच्छा बढ़ा सकते हैं, दूसरी चीज इस सीट को उठा के हम आगे कर सकते हैं, अच्छा इस सीट को हम आगे कर सकते आगे हैं। सकते तो पीछे का जो स्पेस हो जाता है यहाँ पर दो सीट आराम से बन जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सीट बन गया, तो ऑनर क्या सोचते हैं कि यहाँ भी दो सवारी यहाँ बैठा है, दो इसमें, चार इसमें, दो पीछे, इससे क्या होता है ऑनर को भी लंबी टूर के लिए फायदा मिल जाएगा, और जो ड्राइवर गाड़ी लिया हो या ऑनर गाड़ी लिया उसको बहुत बेनिफिट होता है कि ये अच्छा, ना सोचे कि कमा नहीं सकते, कमा ले मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बाकी हमारा यूपी है तो यहाँ पे अच्छे से अच्छा बैठा सेटल कर लेते हैं। उसके अलावा इस तरीके से सर ये जो लॉक दिए, जैसे लॉक इसका बहुत बढ़िया, पहले गाड़ियों में ये लॉक दूसरे तरह था, अच्छा अब BS6 II में लॉक दूसरी तरह दे दिया है, इसे ये भी बेस्ट है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम मंडियों में चले जाते हैं तो मंडियों में सब्जियां भी अगर लाना चाहे तो यहाँ पे दो दो तीन तीन बोरी लाद के आसानी से इसको टेक कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे बांध के अपना माल भी ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया इस तरीके से फीचर आपको दिया गया है। बाकी इसके नीचे जो हमारा क्या होता है, जाली किस लिए लगी हुई सर? सर ये जाली जैसे जी सर अचानक से चल रहे हैं जी, ये इंजन की सेफ्टी के लिए है जाली, अच्छा देख रहे हैं ये लॉक भी दिया हुआ है, जाली को हम खोल सकते हैं, अच्छा ये देखिए इसको हमको खोलना पड़ता है सर, जैसे सीएनजी गाड़ियों में हीटिंग होता है जी,
आप समझ रहे, ये देखिए लॉक हुआ, इसे हमने सरकाया है, इसको हम जो है ऐसे खोल सकते हैं। अच्छा, ये हमारे इंजन के जैसे सर्विस के लिए जाली लगाया जाता है कि टेक्नीशियन के हाथ पहुंच सके इसके अंदर। बहुत बढ़िया सर, इसको हम मतलब अपनी गाड़ी को सेफ, इंजन के पास एक लाइट भी दिया गया, देख सकते हैं ये लाइट जी सर, ये देख रहे हैं ना लाइट, बहुत रात रात में। अच्छा, इसमें लाइट भी दिया गया है ताकि हम अपने गाड़ी में जैसे कभी कभी कुछ गलतियों से इसमें कुछ फंस भी जाते हैं, तो लाइट भी हम जला के अपने उस समय जो अंधेरे में हम कहीं जा रहे हैं लाइट का सहारा नहीं है, तो यहाँ पर कंपनी द्वारा एक लाइट दी गई है, देख सकते हैं आप लाइट जल रही है, और ये इंजन है हमारा काफी बड़ा, देख ले सकते हैं आप, और जो एयर फिल्टर वो सामने है, अच्छा वो देख रहे हैं वो एयर फिल्टर है, उसका क्या बेनिफिट होता है? उसका बेनिफिट ये है कि जैसे अब हम सांस ले रहे हैं जी सर, हमारे तो नाक है इसलिए हम सांस ले रहे हैं, तो इंजन भी एक तरह जो है सांस लेने का संभव, एयर फिल्टर बनाया गया है कि उससे द्वारा वो ऑक्सीजन वहां से पा सकते हैं और इसका ही गलत ऑक्सीजन बाहर निकाल सकते। अच्छा, इसके माध्यम से वो अपना एयर निकाल सकते हैं। जी जी जी, और ये जो है साइलेंसर देखते हैं, इंजन सपोर्टर दिया है जो हिंदी में इसको धनुष बोलते हैं, इंग्लिश में इंजन सपोर्ट बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, और ये चेचिस दी गई है, काफी मजबूत चेचिस है। तो सर जैसे लाइट हमारी जल रही है और ये गाड़ी जो है सीएनजी प्लस पेट्रोलिंग से, तो लाइट जलता किससे है सर? बटन इसमें दिए गए हैं, इसमें डायरेक्ट लाइट है। जरूर सर, उसके साथ साथ यहाँ पे बैटरी भी देख रही है, बैटरी सेफ्टी के लिए है जी सर, कोई चोर चुरा ना सके। पहले खुले में रहता था जी, आप समझ रहे, पहले क्या रहता था बैटरी को सामने रख दिया जाता था, तो सुबह के वक्त तो जो आता था देखता था बैटरी गायब हो गया था जी, जी। इससे ज्यादा कंप्लेन आती थी जरूर, तो शोरूम कंप्लेन आती थी, तो इसके लिए हमारे बजाज शोरूम वाले क्या किए कि इसको सेफ्टी के लिए करने के लिए इसको अंदर शिफ्ट कर दिया। मतलब जो हमारी लाइट चलती है, लाइट सारी जो इंडिकेटर सामने फ्रंट पे जो बैटरी से है, बैटरी से सारा मतलब हमारा सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों को कवर करने के साथ साथ हमारे दिया जाता है जी। अब देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है बैटरी देखने के लिए। जरूर सर, तो इसके साथ साथ जैसे कि आपने अभी बताया था कि हमारे सीएनजी प्लस पेट्रोलिंग से होता है, तो इसमें सीएनजी आपने बताया कि 9 kg हम सीएनजी अपना भरा सकते हैं, तो पेट्रोल इसमें कितने लीटर हम भरा सकते हैं सर? दो सर 2.5 liter है। यस सर, तो पेट्रोल भरने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है सर, कहाँ से हम पेट्रोल भरा सकते हैं अपनी गाड़ी में? ये है, आप देख सकते हैं सर। अच्छा, यहाँ से हम पेट्रोल भर सकते हैं, यहाँ से हम भरवा सकते हैं, ये देखिए। जरूर, तो हमारा जो एवरेज होता है सर, तो हमारे सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों से कम ज्यादा कुछ डिफरेंट होता है सर? पेट्रोल पे सर हमारा 18 का एवरेज है। अच्छा, 18 किलोमीटर देता है जी, पर लीटर पे 18 का एवरेज। अच्छा, बाकी सीएनजी पे हमारा 45 से 50 के बीच में, बड़ी गाड़ी है इसमें 40 का एवरेज है, 40 से 45 के बीच में है। इसको हम आराम से कवर भी खोल सकते हैं, देख रही है इसमें। अच्छा, कोई ज्वाइंडिंग नहीं है, नट द्वारा है, कोई दिक्कत आती है तो हम खोल सकते हैं। अपना इंजन मेरे गार्ड आप देख रहे हैं, काफी मजबूत दिया गया है। अच्छा, इससे ये छिट्टा लबर जो है गाड़ियों में अदर किसी को छिट्टा ना पड़े, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, वो काफी मजबूत काम दिया गया जी जी, और मुलायम दे दिया है, सॉफ्ट, अगर इस पे हार्ड भी हो जाए तो फटेगा भी, फटेगा नहीं, ठंडी में क्या तो बहुत सारे रहते तो फटने का डर। ये जो टायर आपको दिया है एक्सल टायर दिया गया और ट्यूबलेस टायर देख सकते हैं, ये 3-stage नट है। बहुत बढ़िया सर, और मतलब इसमें क्या होगा, पंचर नहीं होगा? पंचर नहीं होगा, पंचर भी हो जाएगा तो पहले के गाड़ियों में क्या रहता था, पंचर हो जाता था तो कुछ दूर तक पंचर नहीं रहते थे, सवारी को उतार के ले जाना पड़ता था या फिर खोलना पड़ता था। अब क्या सिस्टम है, ट्यूबलेट जब से दे दिया गया है कि आप सीधा अपने स्थान पहुंच के वापसी, आपके पास समय ना रहो तो वापस भी आके आप काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ काम भी कर सकते हैं, फिर अगर आपके पास समय हो तो आप टायर को ले जाके पंचर की दुकान पे दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, इसमें देखिए शॉकर भी दिया गया है चेचिस द्वारा, काफी मजबूत दिया गया है, ये इसकी कैची है। अच्छा सर, इसको इंग्लिश में ट्रायलम बोलते हैं। अच्छा सर, पूरा भार इसमें हमारा इस कैची पे दिया गया है। अच्छा, देख रहे हैं काफी मजबूत जी जी चेसिस टाइप का बनाया गया है जी। और जैसे मैंने बहुत सारे देखा है ऑटो में, तो साइड साइड में छोटा छोटा पतला पतला चेचिस देते हैं। बजाज की गाड़ियों में क्या रहता था ना, वो रबर दिया जाता था जंपिंग जी, तो जंपिंग द्वारा दिया जाता था, इसमें रबर दिया जाता था। ये बजाज, और ये बजाज के है जो बजाज की गाड़ी में शॉकर इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, प्रॉपर महिंद्रा की गाड़ियों में शॉकर नहीं इस्तेमाल करता, वो रबर इस्तेमाल करता था जी जी। अब देख रहे हैं हमारे गाड़ियों में बजाज की ब्रांड है, इसलिए शॉकर इस्तेमाल, इसके साथ कैंची भी दिया गया हुआ है। अच्छा, काफी मजबूत क्वालिटी का पूरा दिया गया है, और साथ साथ यहाँ पे जैसे हम टायर के जो स्टेपनी इसको बोलते हैं सर, जी जी स्टेपनी, इसमें कहाँ पे लगाया है? स्टेपनी सबसे सेफ जगह पे है, जिसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फोर व्हीलर गाड़ियों में सेफ्टी रखते थे
जी सर जी ऐसे इसमें भी सिस्टम दे दिया गया है। अच्छा। इसका लॉक ऊपर से है। अच्छा। ये देख सकते हैं, मतलब हमारे स्टेपनी नीचे रहेगा, उसके अलावा जब हमको खोलना होगा तो ऊपर से खोल सकते हैं, नट के माध्यम से हम खोल सकते हैं सर। बहुत बढ़िया दिया है, मतलब हमारी स्टेपनी बिल्कुल। और ये देखिए गेट काफी बड़ा दे दिया गया है। बहुत बढ़िया सर, काफी बड़ा गेट दोनों तरफ दिया गया है, आराम से इसको बंद कर सकते हैं, जरूर सर, पंचिंग करके खोल सकते हैं आप, देख ले हैं। बहुत बढ़िया। और इसको इसमें जब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर बहुत एजेड होते हैं जैसे दादाजी लोग, तो उनको बैठने में डायरेक्टली बहुत दिक्कत होता है, बट इसमें क्या है पहले सीढ़ी के माध्यम से यहाँ पे पैर रखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, इसको पकड़ के भी चढ़ सकते हैं हम। जी सर, काफी अच्छा। तो अभी आपने जिस गाड़ी पर बताया इसका क्या फुल नेम है सर? इसका इसका फुल नेम बजाज एक्स वाइड है। तो दोस्तों अभी तक हमने बजाज एक्स वाइड के बारे में आपको पूरा, इसकी क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, इसमें बेनिफिट क्या होता है, कितने प्राइस का आता है, इसके बारे में प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बजाज जेड के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम बजाज जेड के बारे में भी प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको बजाज आरी कम्पैक्ट के बारे में पूरी जाननी हो तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।